have a group chat in which we degrade men or women. I don't have a group chat in which we degrade men or women. I am not in a group chat in which we degrade men or women. I don't have a group chat in which we degrade men or women. Not in a group which tries to defame a woman or a man. I don't have any group chat in which we degrade men or women. Don't have a group chat in which we degrade men or women. तो जैसा आज सीधा स्टार्ट करते हैं यार ना, ये सब चीज़ें नहीं कि वेलकम टू माई चैनल, ये सब चीज़ें, क्योंकि दुख आज ना दुख हो रहा है अंदर से। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ख़राब हो रही हैं। अगर आपको पता हो, हमारे देश के अंदर कोरोना का इशू चल रहा है, देन बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग भूखमरी से मर रहे हैं, खाना नहीं है लोगों के पास। और उसी के बीच में एक न्यूज़ आती है दो दिन पहले कि 16 साल के कुछ लड़के हैं जिन्होंने एक रूम बना रखा है, बॉयज़ लॉकर रूम या बॉयज़ रूम के नाम से इंस्टाग्राम पे एक चैट पेज बना रखा है, जहाँ पे वो जाते हैं और लड़कियों के बारे में गंदी बातें बोलते हैं, उनके बारे में गंदी चैट करते हैं, या किसी एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो भी मैसेजेस हुए हैं उनको पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हैं, जो उनके प्राइवेट मोमेंट्स के कुछ फ़ोटोज़ हैं तो वो अपने लोगों के बीच में डिस्प्ले कर रहे हैं। यार मतलब इससे मिलता क्या है? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मिलता क्या है कि आप अपने आप को हीरो बन के दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि हे आम अहंक आम अस्टर्ड, मैंने इतनी लड़कियों को पटा रखा है या मैं इतनी लड़कियों से बातें करता हूँ तो आप सब देखिए कि मैं लड़कियों से क्या बात करता हूँ, आपको ये दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है। तो ये कोई हीरो वाला काम तो नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को पता है कि मेरी जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट वे में जाएगी उन सभी के लिए, जो कि ना हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कुछ गलत होता है हम सब कहते हैं ये कैसे हुआ। जब एक रेप हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस केस के अंदर उनके दोषियों को अभी सज़ा मिली है, तो उस टाइम पे जब वो रेप हुआ तो उसके बाद हमारे देश ने बोला कि यार हम सब ना मतलब दंग, हम सब रोड पे आ जाएंगे, हम सब गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारे को कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए उन लोगों के लिए, लड़कियों के लिए हम ये सब करेंगे, यहाँ तक कि जो लड़के से और जितने भी मेल्स हैं वो बोलेंगे हम ये करेंगे, हम लड़कियों के लिए ये करेंगे, हम उनको बचाव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद आपको पता है उसी महीने के अंदर, जिस महीने के अंदर वो केस हुआ था, उसी महीने में 13 न्यू केसेस हुए थे ऑल ओवर इंडिया, रेप हुए थे, रेप, आई एम जस्ट सेइंग रेप। और अभी जो ये दो दिन पहले एक जो बॉयज़ लॉकर रूम या जो भी एक इंस्टाग्राम है या जो भी स्नैपचैट के ऊपर एक प्राइवेट चैट चल रही थी, उसमें वो बोल रहे हैं कि कॉल हर इन, विल रेप हर, ये लिख रहे हैं। ये मानसिकता हो गई है आजकल 15 और 16 साल के बच्चों की। सो ये मानसिकता तो सही नहीं है यार। ये वीडियो मेरे को कोई बनाने की, टू बी ऑनेस्ट, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि एक चीज़ को कितनी बार आप दोहराओगे, आप जितनी बार भी दोहरा सकते हो उसका कुछ निकलेगा नहीं, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। जिसको जो गलत काम करे ना वो करता है, उसको सुधार सकती है उसकी खुद की सोच। तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है या मैं इतना जानना चाहता हूँ, और मैं प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो वीडियो है, इट्स नॉट फॉर एनी पब्लिकसिटी और समथिंग, ये जो वीडियो है उन लोगों तक पहुँचे जो 100 लोग थे, 100 में से 5 में पहुँचे, 10 में पहुँचे, तो जस्ट सिर्फ इतना उन तक जाए कि यार व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप हो कौन, कर क्यों रहे हो ये सब चीज़ें, कुछ नहीं रखा भाई, आपके घर में बहने होगी ना। आई नो इट्स अ वेरी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड डायलॉग है, आपके घर में, तेरे घर में माँ नहीं है, तेरे घर में बहने नहीं है, है ना, ओल्ड टॉपिक है, लेकिन समझ भी नहीं आता, समझाते हुए आ रहे हैं, पुश्तों से समझाते हुए आ रहे हैं। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं ये बंद कर दीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्लास, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, नॉट मेल शॉनिस्ट और फीमेल शॉनिस्ट, मेरे को उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट जितनी इज्जत आपके घर में आपकी बहन की है, उतनी इज्जत उस लड़की की है उसके घर में या उसके परिवार में, वो भी किसी की सिस्टर है। बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं जब चार लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं,
और वो जो लड़की होती है उनमें से एक की बहन निकलती है ना, वो सब आता है व्हाट्सअप पे, आप सब देखते होगे उस टाइम पे, लगता है कि हाँ यार ये सब चीज़ें नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक बंदा ख़राब है, वो हर एक बंदा ख़राब नहीं है, बट जो कुछ है ना यार वो बहुत गंदे काम करते हैं। वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये जो वीडियो है वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आए। सबसे पहले उसमें एक पॉइंट आया कि यार वो सब ना बच्चे हैं, अंडर एज हैं, तो अंडर एज हैं तो अलाउड है रेप करना, अंडर एज है तो ये मैसेजेस हैं जो लड़कियों की फ़ोटोज़ मॉफ कर रहे हैं, अपने क्लास की जो लड़कियों की फ़ोटोज़ हैं उनको मॉफ कर रहे हैं, दे आर पुटिंग ऑन अ वेरी अश्लील फ़ोटो, वो अलाउड है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक नहीं यार कि वो अंडर एज है तो उनको अलाउड है, नहीं नहीं किसी को अलाउड नहीं है। किसी भी किसी की डिग्निटी, वेदर इट्स मेल और फीमेल, अगर फीमेल इस चीज़ को करती है मेल की डिग्निटी को ख़राब करने के लिए, तो मैं आई एम अगेंस्ट फॉर द फीमेल्स, और अगर मेल अगर फीमेल्स के लिए कर रहे हैं अगेंस्ट, तो आई थिंक आई एम अगेंस्ट दोज मेल्स एज वेल। सेकेंड पॉइंट आया कि वो जो दो लड़कियां हैं, जो दो लड़कियां हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने आप को पॉपुलर करने के लिए निकाला है, मतलब उनकी फ़ोटो मॉर्फ हो रही है, वो जो दो लड़कियां हैं वो बदनाम हो रही हैं और वो अपनी बदनामी करवा रही हैं और उनको खुशी मिल रही है। आपको पता है एक 16 साल और 15 साल का जो माइंड होता है लोगों का या बच्चों का, वो इतना विकसित या इतना वो नहीं होता कि यार वो इतना दिमाग चलाएं कि यार मेरे को तो 16 साल के, हाँ आज 16 साल के 15 साल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, बट किसी को अपनी बदनामी नहीं पसंद होती। आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि आप अपनी कोई गंदी या अश्लील फ़ोटो डाल के बोलोगे कि हे मैं बदनाम हो रहा हूँ, कोई नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। रिगार्डिंग कि उनका रेप करते हैं, उनको बुलाओ, उनका रेप करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाओ, हम उनका रेप करेंगे, तो यार जब आई थिंक यहाँ पे कहीं कहीं पे कमी आती है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको हमारे टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक मॉम एंड डैड शुड चेक कि आपका बच्चा, आई एम नॉट सेइंग कि उनके प्राइवेट उनके रूम में जाके आप रह लीजिए, बट कम से कम जो थोड़ा बहुत प्राइवेसी है उनकी छोड़कर या उनसे पूछ तो सकते हैं, कम से कम ये चीज़ तो उनको बोलिए कि यार ये चीज़ गलत है, आपको कहीं ना कहीं पे तो इस चीज़ के बारे में काम करना पड़ेगा। चौथी चीज़, एक चौथी चीज़ और भी है जो ये है कि दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने लड़के रिस्पॉन्सिबल हैं उतनी वो लड़कियाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों को अपनी फ़ोटो भेज रही थी, और तो इसलिए लड़कियाँ भी रिस्पॉन्सिबल हैं और लड़के भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यार ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आज मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक 16 साल का लड़का हूँ और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड आई एम यूजिंग द वर्ड गर्लफ्रेंड, और वो गर्लफ्रेंड मुझे वट एवर मोमेंट्स दैट वी हैव वो मुझे अपनी पिक भेजती है या मैं उसको अपने पिक भेजता हूँ, तो पावर मेरे पास है यार कि मैं उस पिक के को उस पिक के साथ कितना सेफ हूँ या कितना कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं ही अपने दोस्तों में फैला रहा हूँ अपनी शेखी शेखी अपने आप को हीरो बनाने के लिए, तो आई थिंक गलती मेरी है, गलती मेरी है भाई, उस लड़की की नहीं है। शी इज़ ट्रस्टिंग मी एंड आई थिंक दिस शुड स्टॉप, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द मदर, प्लीज़ टेल योर डॉटर, अपनी बेटियों को बोलें कि प्लीज़ देखिए रिलेशनशिप दोस्ती यारी सब ठीक है चलता है, इट्स अ फ्री इंडिया, इट्स अ फ्री कल्चर, बट प्लीज़ टेल देम कि रिस्पॉन्सिबल रहें, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, अगर वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी तो आगे जाके बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, और यही चीज़ जो आगे जाके दिक्कतें हो सकती हैं इट्स फॉर द माइंड फ्रेम, हम बोल रहे हैं वो बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं, आगे जाके सीख जाएंगे, अगर अभी नहीं सीखेंगे तो आगे जाके क्या सीखेंगे। कोई बच्चा 20 साल का होकर नहीं चलना सीखता, वो बचपन से ही चलना सीखता है और उसके बाद आगे जाकर वो उसी तरीके से चलता है, तो हम बचपन से सिखाते हैं ना, अगर हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती तो हम फिर बच्चे को 20 साल के बाद ही भेजते हैं स्कूल के अंदर, हम तो बचपन से भेजते हैं यार। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद उनका रेप तो नहीं हुआ, एक पॉइंट आया उनका रेप नहीं हुआ, तो मतलब आप वेट कर रहे हो कि रेप हो जाए, ये भी बहुत अलग थॉट प्रोसेस है यार कि रेप, कि उनका रेप नहीं हुआ, तो आई थिंक इट्स अ शेम, शेम ऑन द सोसाइटी एंड द थिंकिंग कि उनका रेप नहीं हुआ। कितने रेप्स चाहिए आपको या कितने रेप्स चाहिए इस वर्ल्ड में, डोंट यू थिंक देयर इनफ, जो हो चुके हैं वही इनफ है,
आप उनकी फैमिली से पूछिए जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है. आई थिंक दे शुड नॉट बी वन सिंगल रेप एंड आई एम अगेंस्ट एवरी सिंगल स्टेप, एवरी सिंगल मेल जो इस चीज़ की हरकत करता है. एंड आई थिंक इंडिया शुड मेक सम रूल जो इतना कड़क रूल हो कि मतलब डरे लोग यार. अगर आप सऊदी में जाओ, अगर आप मिडल ईस्ट में जाओ, वहाँ पे रेप्स की आप देखें इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन कंट्रीज, ऐसी सज़ा मिलती है कि अंदर की आत्मा भी कांप जाती है. लोगों को जला देते हैं रोड पे. मैं नहीं कह रहा कि किसी को जलाओ, पर आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि देयर शुड बी डर होना चाहिए लोगों को. तो यार आई होप ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ इस मैसेज को समझ पाए. और ये जो वीडियो है आई थिंक जितने भी लोगों के बीच में जा रही है, चाहे पांच ही लोग हो यार, पांच लोगों का ही मेंटलिटी ठीक हो, मैं सोचूंगा कि कुछ अच्छा काम हो गया. तो प्लीज़ 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 जितना हो सकता है यार, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को प्राइवेट रखिए, अपने रिलेशनशिप को रिगार्ड रखिए. आपके जो भी पार्टनर है और वो अगर आप पे रिगार्ड आपको आप पे ट्रस्ट करती है, तो प्लीज़ उस ट्रस्ट को बेकार मतलब उसको बेकार मत जाने दो यार. आपको एक गर्लफ्रेंड रखनी है, दो गर्लफ्रेंड रखनी है, तीन रखनी है, चार रखनी है, पांच रखनी है, आपको स्टड बनना है भाई, दैट इज़ अप टू यू. स्टड बनो, बट किसी की प्राइवेसी या किसी के प्राइवेट मोमेंट्स की चर्चा मत करो बाहर जाके. सो आई होप कि ये जो थोड़ा सा वीडियो या जो भी छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को बोली है, ये कहीं ना कहीं पे आपको कहीं ना कहीं पे सोचने पे मजबूर करेंगी. देखिए ताली दो हाथ से बजती है, ये सब है फालतू की बातें चलती हैं हमारे इंडिया में, यदि ताली दो हाथ से बजती है. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप लोग यार, मतलब आप लोग या हम लोग जब तक कुछ गंदा नहीं हो जाता तब तक स्टैंड नहीं लेंगे क्या? आज मौका है स्टैंड लेने का, अभी मौका है स्टैंड लेने का. मौका ऐसा है स्टैंड लेने का कि आप अपने परिवार में बोलें. मौका है कि अगर आपके आपका बेटा है 15 साल का 16 साल का तो उसको बोलो कि ये होता है, आपकी बेटी है तो उसको समझाओ कि ये हो सकता है, यही तो चाहिए. बी रिस्पॉन्सिबल, दिस वीडियो इज ओनली अबाउट बींग रिस्पॉन्सिबल. प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल. अगर आप अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे ना तो पता नहीं कब हो गया यार. सो चलिए आई होप थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जब भी आप इस वीडियो को देखें.